साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए एक टोटका बता रहा हूँ, प्राचीन टोटका है, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक बार आपको करना है, आप देखेंगे कि अगर एक सही तरीके से आप कर लेते हैं तो दोस्तों बैंक बैलेंस आपका मतलब कि जो है धीरे 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 इंक्रीज होगा। और एक मैं आपको रेमेडी बताऊंगा जो आप रात में सोते हुए करेंगे। अगर कंटिन्यू उसको आप करना शुरू करते हैं तो माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होगी, साथ में मनी की जो एनर्जी है ये भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों सोते समय का जो टाइम होता है ये जो होता है आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। आपका जो चेतन मन होता है वो जब सो रहा होता है तो आपका अवचेतन मन जो होता है वो एक्टिव होता है। और यदि अवचेतन मन जब एक्टिव होता है उस समय यदि कोई अफर्मेशन दी जाती है तो वो एनर्जी क्या करता है, आपका जो अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगता है। तो आप जो भी इंटेंशन रख करके सोते हैं, दोस्तों देखिए कभी भी जब आप सोते हैं रात में तो कभी भी आपके दिमाग में दिन भर के थॉट्स चल रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो आपका पूरा दिन वैसा हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि अपना दिन आप जैसा चाहते हैं तो रात में सोते हुए अगर वैसे इंटेंशन लेकर के सोते हैं तो आप देखेंगे कि वैसा ही दिन आपका गुजरेगा। दिन भर में आप लोगों के दिमाग में जो भी आप किया होता है, अच्छा किया है, बुरा किया है, या आपके साथ में किसी ने बुरा किया है, तो सोते समय वही बातें दिमाग में रख के सोते हैं तो दूसरे दिन भी वैसे ही हो जाता है, वैसे एनर्जी आपके साथ में आना शुरू हो जाती है। तो आप लोग को आप सोते समय क्या करना है जिससे कि आपकी लाइफ में पैसा आए, मनी अट्रैक्ट हो, आज मैं दो रेमेडी आपको बताऊंगा, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रुबाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँ, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और यदि दोस्तों आप लोग अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है घर का वास्तु अनबैलेंस होता है या घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है या तंत्र मंत्र किया कराया से कोई क्रिया होती है या बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कोई भी रेमेडी करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और नेगेटिव एनर्जी जब डिस्टर्ब करती है तो आप कुछ भी करेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अपने घर का वास्तु चेक करा लें, अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें, कोई ऐसा प्लैनेट है जो प्रॉब्लम कर रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या, आपकी कर्ज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में ग्रह कलेश बहुत ज्यादा है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या का सलूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जिस भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं 100% आपकी समस्या का 11 दिन के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, है ना। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपको आपकी हर समस्या का समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर आप कभी भी आप लोग ऑनलाइन अगर अपना जो पैसा, जो कोई मनी है, पैसा है जमा करते हैं तो एक बार मेरे तरीके से सिर्फ एक बार इस तरीके से पैसा जमा करिए। आपको करना क्या है, शुक्रवार वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन और त्रयोदशी वाले दिन आपको सुबह में नहा धोकर के स्नान करके शुद्ध हो जाना है। और जो गौशाला होती है कहीं पे, आपको गौशाला जाना है, गौशाला आपको ढूंढ लेनी है, गौशाला में सिर्फ एक दिन का ये प्रयोग आपको करना है, जहां पर गाय अधिक मात्रा में हो, कम से कम 8 से 10-11 गाय हो जहां पर गौशाला वगैरह हो वहां पर चले जाएं, गाय के लिए कुछ खाने पीने की रोटी वगैरह कुछ भी, कुछ खाली हाथ ना जाएं, गाय के लिए कुछ लेकर के जाएं, ठीक है। और वहां पर जाकर के गाय को कुछ खिला दें, रोटी वगैरह जो भी है। उसके बाद में आपको 99 टाइम्स एक मंत्र का वहां पर गौशाला में खड़े होकर के आपको जाप करना है। मंत्र जो है दोस्तों ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है, ये एक बार हो गया, ओम श्रीम 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 ये दो बार हो गया, ऐसे करके आपको 99 टाइम्स आपको चैंट करना है गौशाला में खड़े होकर के, ठीक है।
मतलब कि आपको काउंटिंग ऐसी करनी है कि 99 से 100 ना हो और 99 से 98 ना हो, आपको पूरे पूरे 99 ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब जाप आपका पूरा हो जाता है, आप घर आ जाइए, कुछ पैसे लेकर के अपना बैंक जाइए, और बैंक में जाने के बाद में उत्तर या फिर पश्चिम दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है, और आपको जो भी फॉर्म भरते हैं जो फिल करते हैं तो आपको इन दोनों दिशाओं में मुख रख करके और उस फॉर्म को फिल करना है, और फिल करने के बाद में आपको पैसे जमा करने हैं। आप अमाउंट कुछ भी रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, मतलब कुछ अमाउंट आपको जमा करना है इस तरीके से, और सिर्फ एक बार आपको करना है। ये दोस्तों कैसे एनर्जी क्रिएट करेगा जिससे कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ना शुरू होगा, मतलब कि गलत जो अनएक्सपेक्टेड पैसा जो जा रहा था वो आपका जाना खत्म हो जाएगा, पैसा सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी, है ना। ये सिर्फ एक दिन का प्रयोग, पूर्णिमा, त्रयोदशी या शुक्रवार के दिन आप करेंगे, तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को आपको कर लेना है, ठीक है। वैसे भी बैंक तो सूर्य अस्त के बाद बंद ही हो जाएगा, तो आप 12 बजे 2 बजे से पहले इस प्रयोग को कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा आपको क्या करना है, रात में जब सोने जाने लगते हैं थोड़ा पवित्र हो जाएं, हाथ पैर वगैरह धो लें, बिस्तर वगैरह साफ कर लें, और सोते हुए इसी मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे, ठीक है। ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम 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 श्रीम, ठीक, 3 बार ओम श्रीम 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 3 बार, ये मतलब कि ओम श्रीम 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 ये 1 बार हुआ, फिर ओम श्रीम 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 ये 2 बार हुआ, तो ये आपको जाप करके सोना है, और मन में इंटेंशन रखने हैं कि आपके पास में मनी का फ्लो बढ़ रहा है माता लक्ष्मी से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करके, और आपको ये चीज करके सोना है। आपका कितना भी बड़ा कर्ज होगा अब वो उतर जाएगा, आपका कर्ज की समस्या से परेशान है तो धन आना शुरू होगा, धन आना शुरू होगा तो कर्ज अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों विश्वास के साथ में करिए, क्योंकि और ये आपको रिजल्ट तुरंत में नहीं मिलेगा, इसको 21 डेज से 41 डेज। काफी लोग क्या करते हैं कि 2 दिन 4 दिन 7 दिन रेमेडी की, उसके बाद में रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों किसी चीज को कंटिन्यू अगर करते रहते हैं तो इसमें एनर्जी जो होती है जनरेट होना शुरू हो जाती है। जब तक इस रेमेडी को करते रहिए, जब तक ये एनर्जी जनरेट होकर इसकी एनर्जी फ्लो ना होने लगे, है ना। किसी भी एक रेमेडी को करिए, पूरे दिल से करिए और सही तरीके से करिए, विश्वास के साथ में। कोई भी चीज रेमेडी फेल नहीं होती है, बस हमारा कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए, हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तब ये वर्क करती है। कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन काफी लोग आप वीडियो के कमेंट्स में देख सकते हैं कि जो लोग भी सही तरीके से विश्वास के साथ में करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है। मेरे काफी वीडियो में पॉजिटिव कमेंट्स आप देख सकते हैं कि विश्वास के साथ में करिए, 100% इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है। जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखिएगा। माता रानी की इससे दैवी कृपा प्राप्त होगी आपको, और मैं आपको यहाँ से ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ, और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपका एक शेयर कितने लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर जरूर करें। घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, किसी की तकलीफ दूर करने के लिए आप एक जानकारी शेयर कर सकते हैं, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।